टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के सियासत में मानो भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग पर आज बीजेपी ने मुंबई के आजाद मैदान में मोर्चा निकाला। मोर्चे के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित कई बीजेपी के नेताओं को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि नवाब मलिक को कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के हिरासत में भेज दिया था। और उधर नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर बीजेपी दबाव बनाने लगी। एनसीपी पार्टी का कहना है कि नवाब मलिक किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे, मगर वहीं बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है और मुंबई के आज़ाद मैदान में आज बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुँच कर नारेबाजी की और नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग करते रहे। और इस दौरान देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल को एक पेनड्राइव सौंपते हुए यह दावा किया था कि इसमें 125 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस और शिवसेना, रंकापा और कांग्रेस के सदस्य बीजेपी के नेताओं को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। इन आरोपों पर संजय राउत ने क्या बयान दिया है, सुनिए। देवेंद्र फडणवीस ने कल दावा किया कि मौके के केस के अंदर देखिए ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र में किसी के ऊपर भी झूठा के झूठा मुकदमा नहीं होता है। महाराष्ट्र के जो पुलिस है और मुंबई के पुलिस है बहुत ही कामयाब और संस्कारी पुलिस है, कभी झूठ नहीं करते। वो झूठ का काम कौन करते हैं? नेशनल एजेंसी जो है एनसीबी, देखा आपने आर्यन खान केस में क्या हो गया, सीबीआई क्या करती है, ईडी क्या करती है, ये उनको ट्रेनिंग है। बीजेपी वालों से वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं झूठ कैसा करना है। महाराष्ट्र के पुलिस नहीं करते हैं, महाराष्ट्र के पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे फ़ोन टैप किए सब नेताओं के, उनके ऊपर भी हमने एफआईआर दर्ज किया है। और वो किसके दबाव में किया था झूठ मूठ हमारे फ़ोन टैपिंग, वो सबको मालूम है। तो फडणवीस जी ज़रा आप सब्र कीजिए, सामने बहुत कुछ आ जाएगा, सच आ जाएगा। आप इस राज्य के लीडर ऑफ अपोजिशन हो, नेता प्रतिपक्ष हो, आप एक जिम्मेदार नेता हो, आप सनसनी खेत बयान देते हो या कोई आरोप करते हो, उससे क्या होता है, उस पर स्टेट पुलिस की प्रतिष्ठा दांव पर लगती है। कोई किसी स्टिंग ऑपरेशन अपने किया है, ये स्टिंग ऑपरेशन वगैरह सब क्या होता है सबको मालूम है। तो ठीक है, मुझे लगता है मैं इसका ऊपर ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। सरकार की तरफ से बयान आ जाएगा तब सरकार और नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे सदन में।